नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्जाम ग्रुप टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रुक्मणी बायोलॉजी साइंस के लिए क्लास नंबर 13 लेकर हम आ गए हैं आपके लिए। और देखो, यहाँ पे आज का जो टॉपिक की बात कर रहे हैं, आज हम करेंगे प्रदूषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉल्यूशन, आप सब लोग जानते हो, ठीक है। देखो, ये खत्म होने के कगार पे चल चुका है, 13 वीडियो है। मैंने बोला था 20 वीडियो में पूरा आपका रुक्मणी का बायोलॉजी धीरे धीरे मैं खत्म कर रहा हूँ ना, लेकिन आपका रिस्पॉन्स बनता है, आप लोग शेयर करो वीडियो को, आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी बन गई है, पूरे वीडियो को देखो, पूरा नोट्स कंप्लीट बना के आप तैयार रखो, ठीक। चलिए, आज शुरू करेंगे हम यहाँ पे ये 13 नंबर क्लास। मैंने बता दिया टॉपिक आपको, पोल्यूशन, ठीक। अब यहाँ पे बात करें एकेडमी की तरफ से, यहाँ पे रेलवे एग्जाम्स को लेके टॉप एडुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस अनाउंस की है। यहाँ पे आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। 21 अप्रैल से यहाँ पे नए नए बैचेस अनाउंस हो रहे हैं यहाँ पे रेलवे एग्जाम्स को लेकर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बात करें, जैसे कि मैंने बताया टॉप एडुकेटर टॉप बैचेस, यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला देख सकते हो। इसके अलावा बात करें कौन कौन से बैचेस, यहीं पे स्पेशल बैचेस की बात करें, इसमें आपका CBT2 एग्जाम के लिए, NTPC CBT2 एग्जाम के लिए, साथ में ग्रुप डी दोनों की कंबाइन बैच है, ज्वाइन कर सकते हो। 21 अप्रैल से ये भी स्टार्ट हो रही है, ठीक। आप हमारा कोड भी याद रखिएगा, गुरु टिप्स यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा CBT2 के लिए, यहाँ पे NTPC CBT2 के लिए 21 अप्रैल से यहाँ पे बैच अनाउंस हो रहा है, इसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोड आप याद रखिएगा गुरु टिप्स, मैं माफ करना यहाँ पे लिखना भूल गया, GURUTIPS, ये कोड आप यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो, ठीक। जो ये प्राइस है, ये प्राइस आपको पे नहीं करनी है, जैसे ही आप कोड यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देन लेट्स क्रैक इट, आइए शुरू करते हैं, ठीक। ये देखो, PDF के बारे में डिमांड करते हैं, सर इसका PDF कहाँ मिलेगा जो आप क्लास करा रहे हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन यानी कि आपका प्रदूषण, वायु का मुख्य प्रदूषक क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। N2, CO, CO2 या सल्फर, वायु का मुख्य प्रदूषक क्या है, इसका आंसर बताना है। तो वायु का मुख्य प्रदूषक की बात करिए, आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसको बोलते हैं CO। आपका ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO, ठीक। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने, देखो हम जितने भी क्वेश्चंस आपके चैप्टर में दिए हैं रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक को, सारे क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक को आप कर लेते हो यार, ठीक है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव कर लेते हो, लूसेंट की थ्योरी आप खुद से पढ़ लेते हो, हमारा साइंस का PDF पढ़ लेते हो यार, बहुत चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। टेंशन मत लेना, जब एग्जाम में जाओगे ना तो आपको लगेगा हाँ मैंने बहुत पढ़ लिया, ठीक। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एकत्र होने से होती है, ऑप्शन नंबर इसका B राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे वायुमंडल में जो बढ़ती हुई हानिकारक गैसें की बात करें, उसमें CO2 भी है, CO भी है, SO2 भी है, और ये क्या करती हैं, वायुमंडल का जो ऊपरी परत होता है वहां जमा हो जाती है, और पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है उसमें वृद्धि करती हैं, इसे ही हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन सी जिम्मेदार है, आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, अम्ल वर्षा में होती है, अम्ल वर्षा की बात करें क्या होती है भैया, अम्ल वर्षा एसिड रेन की बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है यानी कि H2SO4 होता है, इसके कारण अम्ल वर्षा होती है, साथ में आपका नाइट्रिक अम्ल भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा H2SO4 और HNO3 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, इसी को हम बोलते हैं H2SO4, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, 4 क्या है, अम्ल वर्षा जब होती है तब जल पर्यावरणीय प्रदूषक से सहयोग करता है तथा कौन सी गैसें बनाता है, तो जब अम्लीय वर्षा होती है तो ये जल पर्यावरणीय प्रदूषण से सहयोग करके आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दो गैसें बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, संयुग्मक पाया जाता है, कहां पे संयुग्मक पाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, तो संयुग्मक की बात करें ये आपका राइजोपस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं किसके लिए भैया, किसके लिए लाइकेंस संवेदनशील होते हैं, तो SO2 और CO के लिए, SO2 और CO, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों के लिए लाइकेंस जो होते हैं वो बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो हमारा इंस्टाग्राम है, ये 1 नहीं रहेगा, ये हमारा है, और टेलीग्राम मैंने बताया, फिर से आप बताओ ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सभी लोग ज्वाइन कर लेना। आगे चलते हैं, ठीक, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है,
जो किसके मिश्रण से बनता है, गैसोहोल की बात कर रहे हैं, ये पर्यावरण मित्र ईंधन है, ये किसके मिश्रण से बनता है, तो गैसोहोल की बात करें पेट्रोल और इथेनॉल, पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती, कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती, ध्यान रखिएगा। देखो अभी हम लाइव क्लासेस की सोच रहे हैं, ठीक है, ये वाली क्लास भी आपकी लाइव करने की सोच रहे हैं, लाइव क्लास ये वाली, साथ में मुझे मैथ का टॉप 10 आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है और स्टैटिक जीके की जीके वाली क्लास भी स्टार्ट करना, आज मैं कोशिश करूंगा आज से स्टार्ट हो जाए, ठीक। तो कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सी गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ये आपके वायु को प्रदूषित नहीं करता, बाकी जो भी गैसेस दी हुई हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस है, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण पृथ्वी का तापमान का बढ़ना है, ठीक, पृथ्वी का तापमान हमारा बढ़ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ठीक। अब इसमें उत्तरदायी कौन कौन सी गैसें, स्टार्टिंग में मैंने बताया था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, ठीक। आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, भैया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता, कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता, तो दूध, शहद, तेल, अल्कोहल की बात हो रही, तो यहाँ पर तेल ध्यान रखिएगा, तेल आपका जल में नहीं घुलता, जल में अघुलनशील है, ठीक है, जो भी फैट होती है, घी, डालडा, ये सारे भी आपके जल में अघुलनशील होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है, वायु प्रदूषक नहीं है, क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स आपका वायु प्रदूषक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें, क्लाइमेट शब्द किस भाषा में लिया गया, क्लाइमेट की बात करें, आप बोल लो क्लाइमेट चेंज, ठीक, आपने सुनता होगा, सुनते होंगे बहुत बार, क्लाइमेट की बात करें, ये ग्रीक भाषा से शब्द लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, अम्ल वर्षा वास्तव में किसका मिश्रण होता है, तो अम्ल वर्षा की जब भी बात हो तो ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का द्वारा प्रदूषक का सूचक है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक, देखो यहाँ पे लाइकेन, लाइकेन की बात करें वायु में पाया जाता है, लाइकेन वायु में SO2 द्वारा प्रदूषक का सूचक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। लाइकेन को बायो इंडिकेटर यानी कि जैव सूचक बोला जाता है, क्या बोला जाता है भैया, लाइकेन को जैव सूचक यानी कि बायो इंडिकेटर की कहते हैं, वह क्षेत्रों में नहीं पाया जाता जहां पे प्रदूषण अधिक है, यानी कि लाइकेन की बात करें, अगर जो प्रदूषण ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, तो वहां पे लाइकेन नहीं पाया जाएगा, अगर जो प्रदूषण कम है तो वहां पे लाइकेन पाया जाएगा, इसीलिए लाइकेन को हम जैव इंडिकेटर यानी कि जैव सूचक भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, धूम्रपान में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्यों, क्यों भैया, आप सिगरेट पीते हो, आप गुटखा, सॉरी गुटखा तो बात की बात है, सिगरेट पीते हो, धूम्रपान करते हो, सीधी सी बात है, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती भैया, क्योंकि शरीर में हमारे रक्त ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक, तो इस कारण से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो यहां पे क्या होगा, धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि रक्त में O2 की कमी हो तथा CO की मात्रा बढ़ जाती है जब आप धुआं लेते हो, तो इसलिए यहां पे आपके रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्न में कौन सा वायु प्रदूषक का घोतक है, अब देखो यहां भी अभी मैंने बताया इंडिकेटर होता है, बायो इंडिकेटर, जैव सूचक कौन सा होता है, लाइकेन होता है भैया, यहां पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, साइकस दिया ना, साइकस से याद आया मुझे, साइकस से के मंड से हम व्रत में खाने वाला साबुदाना को बनाते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं, ध्यान रखें 200 मीटर, क्या होगा भैया, 200 मीटर, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, 200 मीटर, ठीक। चलो
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्यों भाई क्यों हो जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको, तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, निम्न में कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है, कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है? पर्यावरणीय प्रदूषण ये तो करेगा ही भाई, हाँ महासागर में अम्लीकरण ये भी, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज ये भी करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हुई भैया बताओ? जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हुई? तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या में भारी वृद्धि से आपका वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ा, वैश्विक तापमान में बढ़ी हुई बढ़ोतरी हुई, प्रदूषण स्तर में वृद्धि, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए 21 की बात कर लेते हैं, 21 है आपका, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं, सभी पौधे मर जाते हैं, तो सभी पशु किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? तो किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो भोजन तो होगा ही, भोजन और ऑक्सीजन दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कह सकते हो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर भोजन, भोजन कह सकते हो भोजन, ठीक है ऑक्सीजन भी सही हो जाएगा वैसे। ठीक है चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो इसका आंसर होगा, ये आपका रिपीट हो रहा क्वेश्चन 64। ठीक आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती, कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं? तो भैया अस्थमा होता है ना, अस्थमा होता है, क्षय रोग TB होता है, दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस होता है, ऑप्शन नंबर ई कोरोना भी होता है, ठीक कोरोना भी होता है, निमोनिया नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी बी राइट आंसर होगा। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24, यदि जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल होता है, कौन सा भाग सूजता है? दृढ़ पटल यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं, वनस्पति किनके अवशोषण से प्रभावी होता है, किनके अवशोषण में प्रभावी होता है? तो वनस्पति की बात करें, प्रदूषक गैसें एवं उच्च आवृत्ति के ध्वनि अवशोषक होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक प्रदूषक गैसें। ठीक क्वेश्चन नंबर बात करें 26 है, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं किसके भैया? तो लाइकेन सबसे अच्छे वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 27 की बात करें, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान की बात करिए, आपका पुणे में स्थित है, पूना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नहीं नहीं माफ कीजिएगा, ये आपका नागपुर में है, नागपुर में है, ठीक है नागपुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो आर्सेनिक है, क्या है? आर्सेनिक है, ऑप्शन नंबर सी, ये भूमिगत जल को दूषित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाह विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? प्रवाह विरंजक का सबसे अधिक, कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। ठीक तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ये कोरल ब्लीचिंग का सबसे प्रभावी कारक है। 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो चांदी का पत्थर एक प्रकार का जैव निम्नीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? तो क्या हो जाएगा आपका? वर्मी कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये को यूरिया की बात करें, यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? ठीक ध्यान दिया, 46%, ठीक 46%। ठीक चलो, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? भैया कौन मॉनिटर करता है, किसको हम जैव इंडिकेटर कहते हैं? हम लाइकेन को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो धान के खेतों से आपका CH4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी, अरे माफ कीजिएगा कहाँ चला गया, चलो ये हो गया ना, कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? क्या आंसर होगा? तो मुख्य रूप से पूछ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर CO2, ऑप्शन नंबर ए। 35 है, वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं, किस श्रेणी में रखे जाते हैं? भाई PM2.5 की श्रेणी में रखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 36 है, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है? तो इसका हल है पुनः चक्रण, या कहते हैं रिसाइक्लिंग करना। ठीक
क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्मी कंपोस्ट किससे की जाती है? तो वर्मी कंपोस्ट की बात करें, ये की जाती है कृमि से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बैक्टीरिया, आप जानते हो बैक्टीरिया का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, खोज किसने की थी? लिवन हॉक ने। आगे चले क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित करते तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल सकती है? तो पीने के पानी को दूषित करते तो टाइफाइड फैल सकती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 39 की बात करें, निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो चमड़े के बिल्ट आपका एक प्रकार का जैव निम्नीकरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? तो छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को वल्कवासी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो ट्रांसमिशन इसमें से देखोगे एक प्रकार के, ये सारे कैंसर के कारण हो सकते हैं, ट्रांसमिशन कैंसर का कारण नहीं है। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्री डंपिंग तो ये आपका कारण नहीं है, तट पर मछली पकड़ना एक प्रकार का कारण नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, 43 की बात करें, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा होता है? तो हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर लगा हवा और पानी द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? हवा और पानी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः किसके रूप में जानी जाती है? टेबल दानेदार चीनी की बात करें सुक्रोज के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, बायोगैस बायोमास से किस प्रकार से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? तो बायोगैस बायोमास से अवायवी किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से अलग होता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके पॉल्यूशन चैप्टर के, नेक्स्ट हम देखेंगे कल पारिस्की यानी कि ठीक है पारिस्की वाला टॉपिक देखेंगे। और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए हो सब्सक्राइब करके जाना, हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं जब तक आपके 20 वीडियो कंप्लीट हो जाते, साथ में कुछ और क्लासेज आज से स्टार्ट हो सकती हैं। बाकी आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके